बड़वानी में कलेक्टर के आदेश के बाद एसडीएम और सीएमओ फूड सेफ्टी अधिकारी के दल ने मिष्ठान दुकानों पर सैंपल जब्त किए। सैंपल में मुख्य रूप से खाद्य सामग्री को टारगेट किया गया। वहीं कार्यवाही के बाद खाद्य दुकानों में हड़कंप मच गया। कहीं फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर एचएल आवासीय ने कहा कि सैंपल को भोपाल पहुंचाया जाएगा, रिपोर्ट में सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की आज? आज जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित शहर में स्थित प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया एसडीएम साहब के साथ में, और हम यहाँ पर अभी मावे की जलेबी बरसात को दृष्टिगत रखते हुए जो सड़ी गली चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, ठंडी चीजें हैं, और उनके संबंध में राजस्व नगर पालिका कोड और जो है फूड एंड सेफ्टी सभी विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर जो पुरानी चीज़ें मिल रही हैं, गंदगी मिल रही हैं, उनको हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं और सैंपल भी ले रहे हैं। सर, करीब कितनी दुकानों पर कार्रवाई करी है और क्या क्या पाया गया है? ये नए बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड और यहाँ पर झंडा चौक और रणी चौक के बीच में जो कार्रवाई करी है, लगभग 15 से 20 दुकानों पे हमने कार्रवाई की है, और उसमें जलेबी है, समोसा कचौरी है, और पुराना जो है तेल और ये जो है अगर वो जो है अमानक पाया गया है तो उसको हमने वहाँ फेंकवाया है, और साथ ही साथ में जो है नींबू के 2 गोडाउन और 2 केले के गोडाउन जो है उसको भी हमने चेक किया है, और उसमें भी जो पुराने जो है सड़े गले डिस्ट्रॉय माल पड़ा हुआ था उसको भी हमने फेंकवाया है। सर, होटलों और दुकानों पे छोटी गैस टंकियाँ लगी हुई है, कायदे से बड़ी गैस टंकियाँ होना चाहिए सर? नहीं, उसमें जो है कमर्शियल टंकी के अलावा हमने जो है लगभग 15 से 20 टंकी हमने जब्त की है, जो घरेलू उपयोग वाली अवैध तरीके से उपयोग कर रहे थे उसको जब्त की है, और आगे कार्रवाई।